पास मंथ है और ये हमारे पास सेल्स है, और इसमें मान लीजिए कि हमारे पास जैन फेब मार्च इस तरह से डला हुआ, और यहाँ पे भी हमने सेल्स को डाल दिया तो ये हमारे पास सेल्स डला हुआ। ठीक है, अब बात यह है कि हम चार्ट्स बनाते हैं यहां पे, तो चार्ट्स के अंदर में देखिए सबका एक ही कलर है। मैं चाहता हूं कि 20, 0 से 20 तक का अलग कलर आए, 20 से 60 तक का अलग कलर आए, 60 से 100 तक का अलग कलर आए, तो तीन अलग अलग कलर चाहता हूं। लेकिन मैं यहाँ अगर कल के दिन मान लीजिए कि मैंने इसको कलर मैनुअली चेंज कर दिया, यहाँ पे आप मैनुअली किसी एक का कलर चेंज कर सकते हैं उस पर डबल क्लिक करके, तो अभी क्या है आपका ये 83 है। इसलिए जैसे ये मान लीजिए कि अगर 50 होगा तो कलर आपका वही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो कंडीशनल कलर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 to 20, यहां पे लिखता हूं 21 to 40, 60 है ना, हाँ 60, तीन कलर है, और 60 to 100। और यहां पे कंडीशन देता हूं इफ का, कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आपका 20 है तो इसको शो करे, अदरवाइज ब्लैंक कर दिया और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। और फिर मैं दिया कि इफ इसमें देंगे एंड, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 20 और लेस देन इक्वल टू 60 ऐसा हुआ तो यहां पे ये वैल्यू शो हो, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, और इसको भी हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। और फिर यहाँ पे एक और इफ फॉर्मूला, कि अगर ए ग्रेटर देन, यहाँ पे एन कंडीशन बिटवीन का है तो एन लगेगा, इसको सिलेक्ट किया, बोला अगर ग्रेटर देन अगर ए 60 और कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 100 है तो इसको शो करे, अदरवाइज जीरो करे, जीरो नहीं ब्लैंक, और नीचे तरफ चेक करें। अब इस पे चार्ट नहीं लगा सकते हम डायरेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग कर्सर रखेंगे और एक ब्लैंक चार्ट को इंसर्ट करेंगे, हमारा ब्लैंक चार्ट। फिर मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद जाऊंगा सिलेक्ट डेटा पे और करूंगा ऐड सीरीज नेम, मैंने बोला 0 to 20, और यहां पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके। फिर वापस ऐड करेंगे, इसका हेडिंग होगा 81 to 20 और यहां पे हम इसको सिलेक्ट कर, आ गया। फिर ऐड करते हैं और बोलते हैं 60 to 80 और यहां भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर एडिट में जाते हैं और इसमें हम जैन फेब मार्च को सिलेक्ट कर एंड ओके करते हैं। और फिर इसको हम यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं राइट क्लिक चेंज सीरीज, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज में आते हैं और इसकी गो गैप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ओवरलैप को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसी का वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, हो गया।
अब देखिए तीनों का अलग अलग कलर है। अब मान लीजिए कि ए 48 जो है, मान लीजिए कि 76 अगर 20 हो जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो गया क्या? अगर मान लीजिए कि आपका ये जो 18 है, 18 अगर मान लीजिए 95 होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता। समझ में आया? हेलो, हाँ डाउट सर, समझ में आ गया। तो डाउट तो नहीं है इसमें? तो डाउट होने नहीं चाहिए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें सुजीत जी, जैसे आपने ये वाला चीज बताया, लेकिन ये प्रेजेंटेशन वर्किंग फॉर्मेट ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में दिखाएंगे, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाएंगे, तो डाटा को कैसे गायब करेंगे, मतलब हाइड कैसे करेंगे? कौन सा ही डेटा को इसको उठा के कहीं और रख दो, कट करके आप किसी और जगह पे पेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि वो पीपीटी वगैरह में जब हम ये डालते हैं, तो वो डाटा भी हम लोग ऐड कर देते हैं एक्सेल में। हाँ ये इस डेटा की बात कर रहे हैं आप, जी, हाँ जी, हाइड कर दीजिए राइट क्लिक करके। नहीं, हाइड करेंगे तो भी डेटा नहीं दिखेगा, इसलिए हाइड नहीं होगा, ये डेटा रहेगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसी के ऊपर चार्ट चार्ट दीजिए और इसी के ऊपर डाल दीजिए क्या? ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, मैं यहां पे मंथ डालता हूं और मैं यहाँ पे सेल्स डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जैन फेब मार्च इस तरह से दिया, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट चार्ट। अभी क्या है कि मान लीजिए कि जुलाई तक का है, अगस्त का भी आया नहीं है, तो देखिए ब्लैंक ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। अगर मैं इसको मान लीजिए कि यहां तक जाता हूं, ये पूरा हुआ, फिर जब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि और डाल दिया, अक्टूबर डाल दिया और यहाँ पे कुछ डाल दिए, तो फिर मुझे वापस इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरा टेबल जो है इस तरह से मुझे बार बार इंक्रीज और डिक्रीज ना करना पड़े, मुझे बार बार इंक्रीज और डिक्रीज ना करना पड़े। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे डेटा चेंज होते अपने आप को चेंज करे, डेटा अगर चेंज ना हो तो डेटा चेंज ना करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए हम बात करते हैं ऑफसेट फॉर्मूला की। याद होगा ऑफसेट फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ऑफसेट ऑफसेट में मान लीजिए कि मैंने रेफरेंस दिया और रो नंबर 1 से चले और कॉलम नंबर 0, तो ये क्या होता था कि ये वैल्यू देता है यहाँ का। ठीक है, इसमें आपके पास एक रो और हाइट है, हाइट एंड विड्थ है। तो मैंने हाइट में बोल दिया आपको 8 और विड्थ दे दिया 1,
तब क्या होगा कि पूरा का पूरा रेंज देता है। अगर मैं इसको सम के अंदर करूं सम के अंदर जाऊं, मैं इसको एक बार इसको फॉर्मूला एवलेट करता हूं, ये क्या रिटर्न कर रहा है, B2 से B9। समझ में आया आपको? हरी जी, सुमित जी, आया आया, समझ आ गया, क्या आ गया सर। तो हम क्या करेंगे कि इस ऑफसेट फॉर्मूला को नेम में डाल देते हैं। अब ये ऑफसेट फॉर्मूला ऑटोमेट, अगर मान लो इसको ऑटोमेट करना है तो इस 8 के जगह पे मैं काउंट लगा दूंगा, काउंट ए, माफ कीजिएगा, काउंट ए। -1 करना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग भी काउंट हो जाती है इसलिए। तो ये ऑटोमेट हो गया। अगर मान लीजिए कल के डेट में कोई नंबर डालता हूं तो देखिए नंबर इंक्रीज हो जाता है, हो गया। तो काउंट ए ने काउंट दिया 9 और ये 9 तक B10 तक बनाया गया। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं ऐसे डायरेक्ट जो है अपना इसमें नहीं लगा सकता, इसमें चार्ट के अंदर, क्योंकि तो चार्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या करें, तो हम डिफाइन नेम में जाएंगे और इसका नाम लिखेंगे, मान लीजिए डी टी दे देते हैं नाम, और यहां पे हम इसको इक्वल करके पेस्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें इसको डॉलर साइन से लगाना जरूरी है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके किया, फिर मैं डिफाइन नेम में एक और नाम दे दिया MD, मतलब कि मंथ, और हमने ओ ही किया। अब B1 की जगह पे A1 हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो हमने ऑटोमेटिक रेंज बना लिया दो, यहाँ पे DT जो कि डेटा के लिए है, MT जो कि मंथ के लिए है। तो ऑफसेट फॉर्मूला जितना डेटा रहेगा उतने एरिया को कैप्चर करके देगी। इस चीज समझ में आ गया हरी जी? हाँ सर, समझ में आ गया। नहीं डाउट तो नहीं है? नहीं अब मैं इस मंथ नेम को यूज करूंगा अपने फॉर्मूला में, सीरीज फॉर्मूला में। जैसे कि यहां B2 आ गया, यहां पे देखिए एक ये आपका क्या है, A2 से A9, मतलब कि डेटा रेंज है। तो इसको मैं डिलीट किया और इसके जगह पे एमटी डाल दिया, और यहां इसके जगह पे डाल दिया DT, और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। हो गया सर? अब जैसे यहां पे मैं डाल दिया अक्टूबर के जगह पे सितंबर, और जैसे नंबर में एंट्री किया, समझ गए? अच्छा एक कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत है, एक बार और रुको। बताइए सर वो डिफाइन नेम में गलत हुआ था शायद फॉर्मूला, एक बार देखना उसे। एमटी मैं देख रहा हूं एमटी वाला, वाले में, एमटी वाले में, हाँ यहाँ पे A1, 1 0। आगे भी, अच्छा हमने इसको फ्रीज देख रहे, हम बता रहे आपको कि फ्रीज करना जरूरी होता है, फ्रीज हाँ नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब सही है, आ गया। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे अक्टूबर डाल के एंटर मारूंगा तो नहीं दिखा, लेकिन जैसे डेटा डालेगा ना तो फिर ऐड होता है, और मैं डिलीट करूंगा अपने आप को। समझ गए? और तो भैया बताइएगा, क्या एक बार और बता दीजिए। आवाज बड़ी स्लो आ रही है, क्या अच्छा बोले, एक बार और कहाँ बता दीजिए। पे दिक्कत है बताइए, क्या बताऊं?
नहीं नहीं जस्ट रिपीट दैट्स इट। मैं क्या रिपीट करना है बताइए तो सही, आपको ऑफसेट फार्मूला में दिक्कत है या ऑफसेट फार्मूला को अप्लाई किया उसमें दिक्कत है? अप्लाई करने में बता, नहीं नहीं दिक्कत किसी में नहीं है, एक बार अप्लाई करना। अप्लाई में कुछ नहीं, आप जब चार्ट को सिलेक्ट करो और जहां जहां रेफरेंस है वहां वहां से जगह उसका नाम दे दो। देखिए मैं यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट किया, इंसर्ट किया यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये आपका हेडिंग है, मैं बताया था सीरीज चार्ट का बारे में कि ये हेडिंग है, ये आपका जो है एक्सिस एक्सिस के लिए आता है, ये आपका डेटा फील है, ठीक है। तो एक्सिस के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया और इसके जगह पे दे दिया मैंने एम्प्टी, सिंपल मंथ आया और इसके जगह पे दे दिया डीटी। सुमित जी आया समझ में? आ गया। बस एंटर मारिए चेंज। तो ये फाइल में सेव कर देता हूँ और आप लोगों को भेज देता हूँ। आप लोग कुछ बना के भेज ही रहे हैं, दिक्कत दिक्कत ये है सर। सर मैंने सोचा था संडे को कुछ बनाऊंगा, संडे को भी ऑफिस जाना पड़ गया गलती से, रह गया इसके। चलिए और ये बीच की सर क्लासेस नहीं आई है मेरे पास, प्लीज। मैं क्लास मेगा ड्राइव में है नहीं, मेगा ड्राइव का स्पेस फुल हो गया है इस कारण से नहीं शो कर रहा है। मैं एक बार स्पेस देख, सर मेरा वाला ले लो मेगा ड्राइव का स्पेस। मेरा ड्राइव का स्पेस फुल है इसलिए वो वर्किंग डिसेबल हो गया है, मैं एक बार डिलीट करके अनेबल करता हूँ उसको सर। प्लीज वो जुलाई की तो काफी कम क्लास